और लोकसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत के बाद नरेंद्र मोदी आज दूसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। इस बीच मोदी की कैबिनेट में कौन कौन मंत्री बनेगा, इसको लेकर चर्चाएं तेज हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अरुण जेटली ने मंत्री बनने से इनकार कर दिया है, लिहाजा देश का अगला वित्त मंत्री कौन होगा, ये भी बड़ा सवाल है। तो इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। जी हाँ, यही नजारा होगा रायसीना हिल्स स्थित राष्ट्रपति भवन का, जहां नरेंद्र मोदी दूसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। लेकिन मोदी सरकार में वित्त मंत्री कौन होगा, ये बड़ा सवाल है। कारण है कि खत लिखकर मौजूदा वित्त मंत्री अरुण जेटली खराब स्वास्थ्य के चलते मंत्री नहीं बनना चाहते हैं। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि पीयूष गोयल को वित्त मंत्रालय की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी से नवाजा जा सकता है। वित्त मंत्री पद के लिए पीयूष गोयल का नाम इसलिए भी आगे आ रहा है क्योंकि मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में अरुण जेटली की बीमारी के चलते गोयल ने ही वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी को निभाया था। मोदी सरकार का आखिरी बजट भी पीयूष गोयल ने ही पेश किया था। पीयूष गोयल को भले ही वित्त मंत्री पद के लिए प्रबल दावेदार माना जा रहा हो, लेकिन अभी इस पर आधिकारिक मोहर नहीं लगी है। साथ ही बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का नाम भी इस पद के लिए दावेदारों की सूची में शामिल बताया जा रहा है। इसका बड़ा कारण ये भी है कि वित्त मंत्री के पद को सरकार में नंबर दो का पद माना जाता है। ऐसे में अगर अमित शाह सरकार का हिस्सा बनते हैं तो वो वित्त मंत्रालय या फिर गृह मंत्रालय की ही जिम्मेदारी संभाल सकते हैं। आपको हम संभावित मंत्रियों की लिस्ट भी दिखाते हैं जिन्हें मोदी सरकार में मंत्री पद से नवाजा जा सकता है। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजीव प्रताप रूड़ी, खेल मंत्री गौतम गंभीर, रेल मंत्री पीयूष गोयल, विदेश मंत्री स्मृति ईरानी, एचआरडी मंत्री निर्मला सीतारमण, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, कृषि मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री पीयूष गोयल, वाणिज्य मंत्री वरुण गांधी, उद्योग मंत्री अरविंद सावंत, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, नागरिक उड्डयन पवन कर्मा, सूचना प्रसारण बाबुल सुप्रियो, पेट्रोलियम मंत्री किरण रिजिजू, परिवार और कल्याण मंत्री अनंत कुमार हेगड़े, ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान, महिला सशक्तिकरण मंत्री मीनाक्षी लेखी, शहरी विकास मंत्री गोपाल शेट्टी, कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद, खाद्य प्रसंस्करण मंत्री चिराग पासवान, पर्यटन मंत्री अनुराग ठाकुर, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, कोयला और खनिज मंत्री गिरिराज सिंह, पर्यावरण मंत्री सदानंद गौड़ा, श्रम मंत्री अनुप्रिया पटेल, टेक्सटाइल मंत्री सरोज पांडे, उपभोक्ता मामलों की मंत्री हरसिमरत कौर बादल। नरेंद्र मोदी गुरुवार शाम 7 बजे राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। खबर सामने आ रही है कि मोदी के साथ 65 सांसद भी कैबिनेट मंत्री पद की शपथ लेंगे। राष्ट्रपति भवन में आयोजित इस विशाल कार्यक्रम में करीब 6,500 मेहमानों के आने की उम्मीद है, जिसको लेकर व्यापक तैयारियां कर ली गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।